ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है कि अगर आपको जो भी सामान चाहिए, जिस तरह का लीकर चाहिए, तो आप पहले उसके लिए अपना रिक्विजिशन भेजते हैं। तो आज जब इन सभी बार के एसोसिएशन के लोग आए थे, तो मैंने यहाँ के एक्साइज ऑफिशियल को भी बुलाया था और दोनों के बीच ये बात तय हुई कि प्रत्येक सप्ताह में उठाने से पिछले अगले सप्ताह जो उठाएंगे, तो उसके पहले वे अपना एक इंडेंट बना के, अपना रिक्विजिशन बना के अपने एक्साइज ऑफिशियल को दे देंगे। और एक्साइज ऑफिशियल की यह जवाबदेही होगी कि वो दुकानों में, जिन दुकानों से बार को जाना है वो सामान, उसको वो सुनिश्चित करें कि वहाँ पर उतना माल उनके पास अवेलेबल रहे। यानी जो यहाँ पर जो भी चलता है, जो ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है इस राज्य में, वो उसमें जो वो चाहेंगे वो मिलेगा। जैसे कई दुकानदार, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो ऐसा डिमांड करें जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि वो नहीं, तो यहाँ पर पहले से जो हमारे होलसेलर हैं उनका टाई अप है डिफरेंट से, बोटलिंग प्लांट से या डिस्टिलरी से, तो जो जिससे उनका टाई अप है उसी का सामान वो अभी सप्लाई करते हैं। मैंने सही कहा है, यानी MGQ और MGR दो इनको दिया हुआ है, चूँकि एक्ट में ही MGQ की भी बात आई है, तो इस पर भी इन्होंने चर्चा की। तो हम लोगों ने कहा है जी, हम लोग देख लेते हैं, अगर इसमें कहीं गुंजाइश होगा तो हम लोग उनका जहाँ तक संभव है ज़रूर मदद करेंगे, ताकि उनको कठिनाई ना हो। नहीं, बिल्कुल एक गलत बात है, सभी दुकानों में सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया गया है। अगर नहीं है तो और मांग कर लें, JSBCL उनको उपलब्ध कराएगा। अगर किसी में नहीं है, सबके पास सॉफ्टवेयर है, हाँ हो सकता है वो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हों इसलिए वो नहीं दे पाते हों, या इन लोगों के पास भी जल्दीबाजी रहती है, लोग बिना लिए चले आते हों। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे डोज के बारे में ही कुछ लोगों ने, रांची वाले जो आए थे, कहे नहीं देता है, जबकि डोज को जब बुलाया गया तो उसने दिखाया है कि मैंने सभी बार को जो भी लेते हैं मैंने बिल दिया, नौ भी लेते हैं तो जनरेट करके वो रखता है, अगर आप जब चाहें तो ले लें। तो अगर कहीं शिकायत, इसके लिए भी कहा गया, अगर कहीं शिकायत होती है तो आप तुरंत, या मेरा, मैंने भी अपना फ़ोन नंबर दे दिया है और एक्साइज ऑफिशियल का भी दे दिया गया है, जिला एक्साइज ऑफिसर का, आप तुरंत वहीं से बात करके बता दें कि इनको नहीं दिया जा रहा है बिल, वो तुरंत उसको बिल जनरेट करा के, और उस पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे दुकानदार पर अगर ऐसा करता है तो। नहीं, इसको दूसरे ढंग से लीजिए। टंच अब जो भी जाएगा आपको TNT के थ्रू जाता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से। पहले कंट्री लीकर में सिस्टम नहीं था, लेकिन पिछले महीने से लागू किया गया है कि बिना ट्रैक एंड ट्रेस के उनका कोई भी माल बाहर नहीं जाएगा। तो जो वहाँ पर पलामू में एक ट्रक पकड़ा गया है, वो काफ़ी उस पर पहले का लेबल है, अभी का वो वर्तमान का नहीं है, तो उसकी जांच कराई जा रही है। चूँकि वह पकड़ी गई है, ट्रक भी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ के एक्साइज ऑफिशियल भी उसमें चेक करा रहे हैं कि वो कहाँ से माल आया है, कंपनी से डायरेक्ट बोटलिंग प्लांट से उठा के लाया है, या कहीं से कोई जमा माल है पहले से उसको ले जाके कहीं ले जाए। और मैंने 2-3 ऑफिशियल को डिपुट किया है जो कि यहाँ से जो बोटलिंग प्लांट है वहाँ भी जाके वो चेक कर लेंगे कि वहाँ से वो माल उठा है या कहाँ से उठा है इसकी जानकारी, और जैसे ही अगर जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, ये आपको एक्ट में, जब से ये एक्ट लागू हुआ है, ये एक्ट में ही इसका प्रोविजन था, और एक्ट के ही अनुसार उनको उतना MGR और MGQ दोनों मेंटेन करना है। अभी तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप हर महीने तय करें, लेकिन एक जब सरकार कोई अगर टारगेट बनाती है तो उसके हिसाब से एक हर मंथली लोग एक टारगेट फिक्स करता है कि इतना हमको बेचना चाहिए ताकि हम अपना साल के अंत में अपना टारगेट पा लें। लेकिन संभव नहीं है जी हर महीने उतनी ही बिक्री हो, कभी कम बिक्री हो सकती है, कभी ज़्यादा बिक्री हो सकती है, और एक कोई कंपलसरी आइटम नहीं है जी आप ज़बरदस्ती किसी को पुश करके, किसी को ज़बरदस्ती पिला के और ज़बरदस्ती बेच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि चूँकि अब जो माह शुरू हो रहे हैं, जो दिसंबर है, जनवरी, फरवरी है, इस माह में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लोग नया साल होता है, तरह तरह की पार्टियां इसमें लोग मनाते हैं, छुट्टी का सीज़न रहता है तो इसमें सेल बढ़ता है। तो हम लोग ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि हम लोग टारगेट पा लें, वैसे हो सकता है अगर कुछ कमी भी रह जाए तो हम लोगों का लेकिन प्रयास रहेगा कि हम लोग कमी को पाट लें, लेकिन अभी हम लोग अभी अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं।
नहीं इसको इस ढंग से नहीं लें, चूँकि बार इसलिए बनता है कि जो लोग शौकीन लोग हैं वो बार में जाके बैठ के उनको पीने का आनंद अपना लें, इसी उद्देश्य से बार बनाया जाता। लेकिन चूँकि जब आप कहीं पर बार का किसी को लाइसेंस देते हैं तो जो नया हमारा एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है जो उसके लिए भी एक मोटा मोटी एक तय कोटा होना चाहिए जो कितना उनके द्वारा उठाया जाएगा। अभी जो वर्तमान एक्ट जिस एक्ट का हमको पालन कर तो उसी एक्ट के तहत ही हम लोग उनको देते हैं जी आप इतना उठाएं। कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू से भी रिलेटेड है, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं अगर ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है तो अगर सेल होगा तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी प्राप्ति होगी। हाँ आप पीने वाले हैं वो आप अच्छा लीकर प्रोवाइड कीजिए तो भी पियेंगे, अन्यथा वो बाहर से कहीं से लाके भी पी लेंगे, गलत माल भी पी लेंगे जिससे बहुधा आप देखते हैं कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो एक निषेध का भी काम है, हमको वो भी देखना है कि हम सही माल लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनका स्वास्थ्य भी खराब ना हो और सही माल भी मिल जाए, साथ ही सरकार की रेवेन्यू भी बढ़े। नहीं वैसा नहीं है, जैसे ओल्ड मॉन्क का जनरेशन कुछ कम था पहले, लेकिन अब आ गया है, बाजार में आ गया है, सभी जगह ओल्ड मॉन्क भी दिया जा रहा है। क्योंकि रम का जैसे है जे अभी सीजन जाड़ा में ही लोग रम ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मी में बियर करते हैं तो जाड़े में रम करते हैं, तो इसका कुछ नहीं। ब्रांडिंग जो भी ब्रांड है तो जो नीति बनाई गई है उस नीति में है कि जितने भी हमारे होलसेलर होंगे वो होलसेलर विभिन्न कंपनियों से टाई अप करेंगे और उस कंपनी का सामान यहाँ पर बेचेंगे जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो पहले से यहाँ अवेलेबल कराते हैं, जो बेहतर माल जैसे पर्नॉड रिकॉर्ड है या अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, ऐसे नहीं है जो यहाँ पर बुरे ब्रांड, एक से एक कीमती ब्रांड हैं और एक से एक अच्छे ब्रांड हैं वो अवेलेबल कराते हैं। इसमें कहीं से सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है जी आप किस तरह का करते हैं, कोई भी नई कंपनी यहाँ आना चाहती है उसका स्वागत है, हम हमेशा तैयार रहते हैं उनको NOC देने के लिए और जो भी वो चाहते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए उनको सारी सहूलियत। नहीं वो सही बात है, पेमेंट दरअसल इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसियाँ बनाई गई हैं, प्लेसमेंट एजेंसियों को टेंडर से रखा गया है, 4 प्लेसमेंट एजेंसी है, 5 की जगह पर यहाँ पर 4 अभी कार्यरत हैं, 5वें का भी हो गया है वो भी 5वें आ जाएंगे। सबको दो पूरे क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया, हर के जी में 2-2 रहेगा, अभी एक एक एक्स्ट्रा 2 लोगों के पास है। तो इसमें जो नीति बनाई गई है नीति के हिसाब से जिला के द्वारा एक पैनल बनाया जाएगा जो लड़के इसमें इच्छुक हैं काम करने का, जिसमें DC की अध्यक्षता में एक कमेटी रहती है, DC रहें ADM रहें जो DC के ही अध्यक्षता में, वो कमेटी लोगों का एक पैनल बना देता है, उस पैनल में से जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसी है अपने मनपसंद आदमी को ले सकते हैं। पैनल अगर 1000 का है तो उसमें से सैलरी उनको टाइम पर नहीं मिल रहा। सैलरी टाइम पर एक सबसे बड़ी समस्या हुई थी शुरू में कि पैनल को उन लोगों ने अथी नहीं किया था, जिला के द्वारा पैनल तैयार करके इनको नहीं दिया गया। शुरुआत हुआ मई में, लॉन्च हुआ मई से शुरुआत हो गया तो कुछ दिन हौच पौच की स्थिति रही, लेकिन पिछले जब हम आए थे अगस्त से हम लोगों ने इसको सही ढंग से करना शुरू किया और अगस्त के बाद से पैनल भी बन गए, सब जैसे इनके पास लीड किया गया। लेकिन इनके द्वारा भुगतान में समस्या हो रही थी क्योंकि इसमें है जी भुगतान करने के बाद अगले महीने का जब भी आप लेने आइएगा तो उसकी PF की रकम भी जमा करा के और आप उसका सर्टिफिकेट के साथ आए, तो फिर ये लोग एक आध महीना उसमें डिले कर दिए, इसके चलते क्रमशः डिले होता गया। रांची में कुछ ज़्यादा समस्या हो गई क्योंकि इन लोगों ने कुछ वैसे लोगों को रख लिया था जिसको पैनल ने फिर अप्रूव नहीं किया, तो जिसके चलते इनको समस्या हुई। तो रांची में पर्टिकुलर समस्या है, रांची में भुगतान सबसे डिले है, बाकी जगहों पर उन्होंने अगस्त तक का सितंबर तक का उन्होंने जैसा बताया अगस्त तक का कर दिया। मेरे पास उनका बिल लेकिन जुलाई तक का मेरे पास अथी हो चुका है, मेरे पास जब भी लाते हैं हम 2-3 दिन के अंदर उनका बिल पेमेंट कर, लेकिन रिमर्स हमको करना है, पेमेंट पहले उनको करना है रिमर्स हमको करना है, तो इसमें डिले हो रही है। ये बात आप सही कहे हैं जो उनके द्वारा समय पर नहीं किया जा रहा, इसके चलते उनको पेनलाइज करने के लिए भी उनको नोटिस दिया गया है जी क्यों नहीं आपको इसके लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो लोग, और कल आपने देखा होगा कि CM की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई थी, इसमें भी उन लोगों को कड़े शब्दों में कहा गया है कि आप लोग भुगतान को दुरुस्त कीजिए, जो सेल बढ़ाना है क्योंकि सेल भी उनको देखना है तो सेल पोर्शन को भी वो बढ़ाएँ, अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी।